लिस्ट इन द बैंक। ब्रोक लेसनर इस हफ्ते ये ऐलान करने वाले हैं कि वे अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस किसके खिलाफ कैश इन करने वाले हैं। जी हाँ, पिछले हफ्ते WWE यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियन सेथ रोलिंस और WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन कॉफी किंगस्टन दोनों ने ही ब्रोक लेसनर को मैच के लिए चैलेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि तुम अपने ब्रीफकेस को मेरे खिलाफ कैश इन करो, जिस पर ब्रोक लेसनर के मैनेजर पॉल हेमन ने यह कहा कि तुम बताने वाले कौन होते हो क्योंकि यह गेम ब्रोक लेसनर का है और वह डिसीजन खुद लेंगे। तो जिसके बाद फाइनली अब WWE ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह लिख दिया है कि ब्रोक लेसनर इस हफ्ते यानी कि 28 मई को होने वाली रो में इस बात का ऐलान कर देंगे कि वह अपने ब्रीफकेस को किसके खिलाफ कैश इन करने वाले हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि वह अपने इस ब्रीफकेस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए सेथ रोलिंस के खिलाफ कैश इन करेंगे क्योंकि वह पिछले काफ़ी टाइम से इस स्टोरी लाइन में रहे थे और वह इस स्टोरी लाइन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और जहां तक बात रही कॉफी किंगस्टन की WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की, तो यहां पर रेसलमेनिया 35 में जिस तरह रो और स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रीट मैच देखने को मिला था, उसी टाइप का मैच हमें सुपर शोडाउन में या कहीं भी देखने को मिल सकता है और इस मैच का ऐलान हमें कल होने वाली रो में देखने को मिल सकता है। और अब बात कर लेते हैं रोमन रेंस को लेकर। तो जैसे कि स्मैकडाउन के एपिसोड में ड्रू मैकइंटायर ने रोमन रेंस के ऊपर हमला कर दिया था, जिसका बदला वह इस हफ्ते ले पाते हैं या फिर नहीं यह देखने वाली बात होगी क्योंकि अब रोमन रेंस फंस चुके हैं शेन मैकमैन, एलायस और ड्रू मैकइंटायर तीनों के बीच। तो रोमन रेंस इन तीनों के बीच किस तरह सर्वाइव कर पाते हैं यह भी देखने वाली चीज़ होगी। तो गाइस क्या है आपके ख्याल कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे कर दीजिए लाइक एंड शेयर। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।